प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर आज कई दिनों से सपा और भाजपा में वार पलटवार के साथ ही पोस्टर वार भी चल रहा है। लेकिन एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य बनाम अखिलेश यादव की राजनीति गर्मा गई है। हालांकि इन दोनों ही नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार करने का दौर कोई नया नहीं है। ये दोनों ही नेता कभी भी एक दूसरे पर कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी बीच एक बार फिर दोनों नेता आपस में भिड़ते हुए साफ तौर पर नजर आए। सबसे पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनकी जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर है। इसीलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आगे अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे खुटे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे, वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज की कल्पना हमारे देश में की जाती है, उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही तो बेचेगा। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक किल सा साबित होगा। देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नजर और नजरिए के साथ अपने सहकार भी बदल लेने चाहिए। ये उनके लिए भी हितकर साबित होगा। एक अच्छी सलाह ये है कि पाले तो अच्छे विचार पाले और आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बाहों को भी। इसी में उनकी भलाई है। सकारात्मक समाज कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। बस फिर क्या था, अखिलेश कितना कहते ही केशव प्रसाद मौर्य का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अखिलेश और पीडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पीडीए असल में एक छलावा है। यह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नहीं बल्कि परिवारवाद दंगाई अपराधी का गठबंधन है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा का पीडीए है प्रगति विकास और सुशासन। भाजपा ने सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अपने संकल्प को दृढ़ता से निभाते हुए विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाया है। अब जनता जानती है कि असली पीडीए कौन लेकर आया है, जो देश की तरक्की में यकीन रखता है, और वो जो केवल झूठे नारों में। खैर, ये यूपी की राजनीति थी। यूपी की राजनीति की चर्चा हमेशा से ही बनी रहती है देशों में।